जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। अकबर महान की कहानी के बाद मुगल साम्राज्य में एक नया कैरेक्टर जहांगीर, द वर्ल्ड कॉन्करर, दुनिया को जीतने वाला। इसकी किस्मत अच्छी थी, ये खुद ही को नहीं जीत पाया, लेकिन नाम अच्छा है जहांगीर। इसकी सबसे अच्छी बात यह रही कि इसको बीवी बड़ी महान मिल गई। इतिहास में, मुगल इतिहास में कुछ स्त्रियों का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है, उसमें से एक नाम है नूरजहां, उस पर चर्चा करेंगे हम। यह आदमी समझदार है, समझदार इसलिए है क्योंकि इसको पता है कि अगर मेरी बीवी संचालित कर रही है, इसका एक बड़ा स्टेटमेंट है कि मैंने एक प्याली शराब और दो टुकड़ा गोश्त के बदले हिंदुस्तान का ताज नूरजहां को दे दिया है। इसकी काबिलियत यह है कि जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना अकबर ने की, उसके जड़ें बनाई, ये चुपचाप उसको चलाता रहा। इसने कहीं कोई छेड़खानी नहीं की। इसको पता था कि मेरे पिता एक बहुत ही व्यवस्थित संरचना बनाकर गए हैं, ये उस संरचना को चलाता रहा। इतिहास में कई मुद्दों पर इसका नाम खराब है भी है, लेकिन उन सब के अलावा हम उस मुद्दे पर आएंगे जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। लेकिन इस प्रोग्राम की जो टैगलाइन है, पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। अकबर ने लगभग 50 साल के शासन में एक व्यवस्थित संरचना तैयार कर दी। जहांगीर गद्दी पर बैठा 1605 में, 1605 से 1627 तक इसका शासन रहा। इसके शासन काल की कुछ अहम घटनाएं, पहली घटना इंसाफे अदल, बड़ा न्यायप्रिय शासक था ये। इसने अपने महल में घंटी लगवा रखी थी कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय जो है उसका संबंध भगवान से है, इसलिए जब व्यक्ति को व्यवहारिक न्याय, संसार में न्याय नहीं मिलता, तो फाइनली वो क्या कहता है कि भगवान देख रहे हैं, भैया भगवान ने निर्णय करी है। इसलिए राज्य और राजा का सर्वप्रमुख उद्देश्य है कि उसकी जनता को न्याय मिलना चाहिए। दो न्याय अगर दो, आधा दो, और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष प्रभु की ले न सका। न्याय देना जो है वो भगवान का काम माना जाता है, इसलिए जितने भी लोग न्याय व्यवस्था में हैं, वो मुख्यतः प्रभु के प्रतिनिधि हैं। इसलिए न्यायिक व्यवस्था का अलग प्रोटोकॉल है, जजस का एक अलग प्रोटोकॉल है, और सबसे अच्छी सेवाओं में से एक है जुडिशियरी। बड़े सारे लोग सिविल सेवा को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, अच्छी बात है, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जुडिशियरी पर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी एक रॉयल सर्विस है इंडिया में। जुडिशियरी एक अलग सर्विस ही है, मतलब असली रॉयल्टी जुडिशियल सर्विसेज में है, शाही बंज जिसको मैं कहता हूं। खैर, इसने क्या किया, अपने महल में घंटी लगवा रखी थी इंसाफे अदल, ये एक पहली बड़ी महत्वपूर्ण घटना। दूसरा, इसने क्या किया, मनसबदारी व्यवस्था में एक परिवर्तन किया, दू अस्पा सी अस्पा का नियम। अब मनसबदारी व्यवस्था हम पिछले एपिसोड्स में पढ़ ही चुके हैं, अकबर ने इवॉल्व किया क्षेत्रीय विद्रोहों से निपटने के लिए, इसने उसमें परिवर्तन किया। तो जब भी कोई परिवर्तन हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो,
क्वेश्चन लिख लो, जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया, क्वेश्चन मार्क। पहला पॉइंट लिख लो, क्या परिवर्तन था? दुअस्पा सीएसपा। वहां लिख लो नीचे, ये क्या है? अब अवध ओझा एक मनसबदार है, 6000 जाट 6000 सवार, मतलब 6000 की रैंक है और 6000 घुड़सवार उसके पास है, जाट और सवार। अब जाट क्या था? उसका वेतन, उसका पद, 6000 जाट। अवध ओझा का पद बता रहा है, अवध ओझा का वेतन बता रहा है। और सवार क्या है? वास्तविक घुड़सवारों की संख्या जो अवध ओझा रखेगा। तो अवध ओझा के पास 6000 जाट 6000 सवार। अब दुअस्पा सीएसपा के नियम में जहांगीर ने क्या किया? सवार की संरचना, सवार की संरचना को बदल दिया। सवार, सवार पे हाथ डाला उसने, जाट पे हाथ नहीं डाला है, लिखना है ये, सवार को तुरंत इन ब्रैकेट में करना है कि दुअस्पा सीएसपा के नियम के अंतर्गत कहां परिवर्तन किया गया? सवार में। जैसे मेरा अवध ओझा का 6000 जाट 6000 सवार, तो सवार को उसने दुअस्पा कर दिया डबल, यानी अब अवध ओझा का जाट होगा 6000, सवार होगा 12000। आराम से रुको, घबराने की कोई जरूरत नहीं। शिक्षा में, पढ़ाई में एक बड़ा प्यारा बॉडी का लक्षण है, आंख बंद करना। जो बहुत गहन सोच विचार करने वाले लोग हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करने वाले लोग हैं, उनका एक बड़ा अच्छा लक्षण है। कभी कभी माँ बाप उसको बड़ा निगेटिवली ले लेते हैं कि सोवत होगा। नहीं नहीं भैया, एक पैराग्राफ पढ़ा, आंख बंद कर लिया, वो मनन की प्रक्रिया है, कनेक्ट करने की, सोचने की। और यह प्रक्रिया हिंदुस्तान में लुप्त हो रही है, और इस अध्ययन मनन के बिना संभव ही नहीं है। अध्ययन मनन के बिना संभव नहीं है, और मनन एक प्रकार का ध्यान है। तभी तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मोबाइल का त्याग कर दो। मोबाइल क्या कर रहा है? तुम्हारा जो मनन की क्षमता है उस पर प्रहार कर रहा है। मोबाइल को आप सिर्फ बात करने के लिए और पढ़ने के लिए इस्तेमाल करिए, इन दोनों के सिवा 5 मिनट 10 मिनट कोई प्रोग्राम देख लिया, टाइम फिक्स करिए कि मोबाइल से मैं बात करूंगा, वो भी विशेष लोगों से, मां बाप, भाई बहन, एक दो मित्र, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनसे इस मंच से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, कृपया मोबाइल को लेकर सजग हो जाएं, वरना आप न्यूयॉर्क में भी पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिल्ली अलाहाबाद तो छोड़ ही दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि मोबाइल का बहु उपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग आपके मनन की क्षमता को मार रहा है। मां बाप बहुत सारे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान। आज की डेट में कैंसर और एड्स से बड़ी बीमारी है ये मोबाइल। आप मोबाइल से बात करिए, संपर्क माध्यम के रूप में उसका इस्तेमाल करिए, विशेष लोगों से। आप मोबाइल से पढ़िए, एक समय बनाइए कि यह चीज मुझे यहां से पढ़नी है, और आप मोबाइल को एंटरटेनमेंट के लिए निर्धारित करिए, समय निर्धारित करिए कि मैं मोबाइल से एंटरटेनमेंट करूंगा आधा घंटा 40 मिनट। आप जब आधा घंटा पढ़ते हैं ना, आंख बंद कर लीजिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके देखिए, जितनी मनन की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी, गौर से सुनिएगा, जितनी मनन की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी उतनी दृष्टि आपकी बढ़ती जाएगी। विजन, फारसाइटेडनेस, ऑब्जर्वेशन, मनन का विकास करिए। और मनन आंख बंद करके ही होता है। तो अब आपने आंख बंद कर लिया,
जाट मतलब रैंक और सैलरी, सवार मतलब सैनिकों की संख्या जो एक मनसबदार को रखनी है। अवध ओझा के पास कितना जाट? 6,000। अवध ओझा के पास कितना सवार? 6,000। अब अगर जाट में वृद्धि की जाएगी तो वेतन में वृद्धि करना पड़ेगा, पद में वृद्धि करना पड़ेगा, और एक बार वेतन और पद में वृद्धि कर दी तो उसे कम नहीं कर सकते। कम का मतलब डिमोशन। तो जाट किनारे हो गया, बचा सवार। कि उसने सवार में क्यों किया? सवार क्या है? सैनिकों की संख्या जो मनसबदार रखेगा। तो उसने सवार को कर दिया 2 अस्पा, 6,000 का 12,000। उसने सवार को कर दिया 80 अस्पा, 6 × 18, 18,000। वहीं पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। सवार को संख्या को बढ़ाया क्यों? अपने समर्थकों की शक्ति में इजाफा, बिना पद और वेतन को बढ़ाए। क्या बात है! अपने समर्थकों की शक्ति, उसने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया, उसके बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। अपने समर्थकों की शक्ति में इजाफा, बिना वेतन और पद को बढ़ाए। यह है दुअस्पा और सीएस्पा। तो पहला परिवर्तन, पहला प्रमुख चीज इसके शासनकाल की, इंसाफ अदल। दूसरा, मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन, दुअस्पा सीएस्पा। तीसरा, बीजापुर से दोस्ती, दक्कन की नीति। वो महला की मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा ही, बीजापुर से दोस्ती। इब्राहिम आदिल शाह को बेटा कहकर पुकारा इसने। इसको एहसास हुआ कि दक्कन में दोस्ती करेंगे तभी साउथ का दोहन हो सकता है। तो इब्राहिम आदिल शाह को इसने बेटा कहकर बुलाया। इस कहानी को मैं विस्तार से आपको सुनाऊंगा जब दक्कन की नीति पढ़ाऊंगा। चौथा, नूरजहां से विवाह। पर्शियन विद्वान और खूबसूरत, ईरान नाम जब भी आप सुनेंगे ना तो दो चीज आपके दिमाग में कौंधनी चाहिए, एक विद्वान और दूसरा खूबसूरत। नूरजहां, उसकी भी एक कहानी है कि जहांगीर उसे प्यार करता था, उसकी शादी किसी और सामंत से हो गई, फिर उस सामंत की हत्या हुई, फिर नूरजहां को लाया गया और फिर इन्होंने उससे शादी की। लेकिन नूरजहां मुगल इतिहास में एक अलग चैप्टर है। स्त्री मतलब भगवान। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, रिपीटेडली, बशर्ते भगवान को एहसास हो कि वो भगवान। जो सृजन करे वो भगवान, जो बनाए वो भगवान। पुरुष से शादी कर ले, उसको हस्बैंड बना देती है। बच्चे को जन्म देती है। पुरुष के साथ जुड़कर एक घर में चली जाए, उसे घर बना देती है। स्त्री का पूरा जीवन सृजन का ही जीवन है। बस उसको इस बात का एहसास हो जाए कि वो भगवान है। कभी कभी भगवान भूल जाता है कि वो भगवान है। तो नूरजहां ने समस्त संचालन किया, और नूरजहां की सबसे बड़ी उपलब्धि, इसका एक खास मनसबदार महाबत खान ने इसको बंदी बना लिया। कश्मीर में 100 दिन बंदी बनाकर रखा, 100 दिन। और महाबत खान के चुंगल से इसको बचाया नूरजहां ने। सेना के कमांड हाथ में लिया, कश्मीर में एंटर की और जहांगीर को वहां से छुड़ा कर लाई। और इस बात पर जहांगीर ने कहा कि मेरा पिता बिल्कुल सही कहता था कि संगत जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। वो अनारकली वाली घटना मैं आपको बता चुका हूं।
अनारकली के प्रेम में था और जहांगीर ने इससे कहा कि क्या बेटा नर्तंगना है वो, डांसर, तुम युवराज हो, कल राजा बनोगे। चुनौतियां प्रतिदिन तुम्हारे सामने रहेंगी, राजा का मतलब प्रतिदिन चुनौती। इसलिए तो बहुत लोग महत्वाकांक्षा छोड़कर भाग जाते हैं कि भैया कोनो बिस्से नौकरी मिल जाए भैया बस। महत्वाकांक्षा सबके बस की बात नहीं है, नौकरी तो सबको करनी ही करनी है। महत्वाकांक्षा का मतलब ही होता है एक शक्तिशाली मन। हर पंद्रह दिन के बाद इस देश में जितने लोगों का भी सोशल मीडिया प्रेजेंस आई है उनसे आप बात करिए, वो कितना ट्रोल करते हैं उनको। और हर आदमी के बस की बात नहीं है ट्रोल को बर्दाश्त करना। एक बाकायदा सेल होता है आईटी, 100-100, 200-200, 1000-1000, 2000 लोग एक साथ आपको गाली देना शुरू करते हैं, 100 कमेंट नेगेटिव पढ़ लें, भाई साहब आपकी आंतरिक शक्ति वैसे ही टूट जाएगी। बहुत से विद्वान लोग हैं, बहुत सी मैंने बहनों को देखा जो वीडियो बनाती थी, नृत्य पे बनाती थी, संगीत पे बनाती थी, भोजन पे बनाती थी, दवाओं पे बनाती थी, लोगों ने बनाना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आए कुछ देने के लिए, लेकिन जहां उन्होंने इन ट्रोलरों को देखा, जहां उनका थोड़ा सा नाम बढ़ा, वो ट्रोलिंग बॉय गैंग ने पकड़ लिया उनको। अब पकड़ लिया, अब वो डर गए। अच्छा, ट्रोलिंग बॉय क्या है? पैरासाइट है। आप जितना खा के खून पैदा करोगे उस खून से थोड़ा खून वो निकाल लेंगे। आप मत भागिए, आप बिल्कुल मत भागिए। बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा, एक से एक टीचर इस देश में है, एक से एक शिक्षक इस देश में है। बहुत सारी बहनें हैं नृत्य सिखा रही हैं YouTube पर, ऑनलाइन, आप जारी रखिए। आप पैरासाइट से क्यों डर रहे हैं? अपना काम जारी रखिए। ये अनारकली से शादी करना चाहता था, तो पिता ने इसके कहा कि बेटा राजा मतलब प्रतिदिन चुनौती, क्लर्क मतलब कभी कभी चुनौती, चपरासी मतलब चुनौती विहीन, और साधु मतलब चुनौती है क्या? मानते ही नहीं वो चुनौती। राजा मतलब प्रतिदिन चुनौती। इसीलिए मैं हर मां बाप से, इस मंच से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण पर भी ध्यान देते रहें। आपको चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, आईआईटी चला जाए, आईएम चला जाए, केजीएमसी चला जाए, आईएएस बन जाए, खूब नाम कमाए, और जैसे ही वो चुनौती फेस करेगा वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए घर घर में हर मां बाप को अपने बच्चों को ध्यान की तरफ ले जाना चाहिए, योग की तरफ ले जाना चाहिए। भस्त्रिका और कपालभाति अपने बच्चे से 10th में अगर वो है, डेली कराइए 10-10 मिनट। कोई नशा करे हमको बताइए, संभव ही नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चुनौतियां बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और ये बाहर समाज ये उसका फायदा उठाएगा। नर्सरी के बच्चे को कोई नहीं कहता बीड़ी पी लो, उसके पास स्ट्रेस ही नहीं है। क्लास 1 के बच्चे को कोई नहीं कहेगा बीड़ी पी लो, उसके पास स्ट्रेस ही नहीं है। और बिना स्ट्रेस के जब तुम ऑफर करोगे, सदगुरु पंडित श्री श्री रविशंकर इनको ऑफर करिए, स्ट्रेस है ही नहीं है, ध्यान के उस लेवल पे है। इन्होंने खुद को जीत लिया है। इसलिए अगर ये सिगरेट पी लें, शराब पी लें, नशा कर लें, तो इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि तुम तो दावा करते हो कि तुम इससे ऊपर चले गए हो। जब आपका बच्चा 9th में जाएगा, 10th में जाएगा, 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, सरकार उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, पढ़ाई का, महत्वाकांक्षा का, और उस स्ट्रेस और प्रेशर में आप भी बढ़ा दोगे, मां बाप का कि भैया देखो नाक न कटाओ, फिर टीचर का, फिर स्कूल का, फिर दोस्तों का,
तो उस स्ट्रेस और प्रेशर को दूर करने का कोई तो तरीका होगा। दो तरीके हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव तरीका क्या है? योग और ध्यान। जोड़िए अपने अपने बच्चों को, नहीं तो समाज इस बात को नोटिस कर रहा होता है कि अब स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ रहा होता है, और उस अवस्था में जब वो बच्चे को नशे से जोड़ता है तो उसको मजा आता है। राजा मतलब प्रतिदिन चुनौती, क्लर्क मतलब कभी कभी चुनौती, चपरासी मतलब चुनौती विहीन। तब अकबर ने कहा कि बेटा समझो, बेटा तुम अनारकली से प्यार करते हो, करो, राजा का काम ही है प्यार करना, और उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। राजा का मतलब जिसके पास सिर्फ एक काम हो, प्रेम करना, बाकी तो सब उसके मातहत अधिकारी काम करेंगे। और इस बात को उसने एक्सेप्ट किया जब नूरजहां उसे कश्मीर में महाबत खान के चुंगल से बचा कर लाई। तो पहला काम इंसाफ अदल, दूसरा मनसबदारी में सुधार, तीसरा नूरजहां की भूमिका इसके शासनकाल में, चौथा दक्कन से मधुर संबंध, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट मेवाड़ से समझौता 1615। 1615 में मेवाड़ से समझौता, वो जो राणा उदय सिंह से संघर्ष की कहानी शुरू हुई थी, उसको विराम लगा जहांगीर के शासनकाल में। और दक्षिणी राजस्थान का रास्ता अब साफ हुआ मुगलों के लिए, जिससे कि गुजरात के व्यापार को बढ़ावा मिल सके। जहांगीर के शासनकाल की जो छठी इंपॉर्टेंट घटना है वह है कैप्टन हॉकिंस का आगमन। 1615 1605 में गद्दी पर बैठ रहा है, और 1605 यूरोपियन भारत में बड़े पैमाने पर एंटर कर रहे हैं, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, और 1615 इंग्लिश कंपनी की स्थापना हो रही है। कैप्टन हॉकिंस आ रहा है जहांगीर के दरगाह में, सरकार, माई बाप, पृथ्वीपति, ब्रह्मांड के मालिक, और कैप्टन हॉकिंस को इसने 500 का मनसब दिया होगा। अंग्रेज है ना, शराब उनकी संस्कृति का हिस्सा है, और ये है शराबी, ऐसा अनुमान है मेरा, मैं किसी सोर्स के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ऐसा मेरा अनुमान है कि जो कैप्टन हॉकिंस आया होगा तो खूब नई नई ब्रांड लाया होगा यूरोप से इसके लिए, और उसी में तो इसने कहा होगा कि ले लो हिंदुस्तान, अरे बोले साहब हिंदुस्तान दे चाहिए, फैक्ट्री खुलवाने की अनुमति दे दो साहब। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसकी अलग से कहानी, जब आजाद भारत, आधुनिक भारत की जब मैं कहानी शुरू करूंगा तो यहीं से शुरू करूंगा, यूरोपियों का आगमन, वास्को दिगामा। सातवीं घटना इसके शासनकाल की बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, सातवीं अति महत्वपूर्ण, 15वीं शताब्दी में भारत में एक नए धर्म की शुरुआत हुई, सिख धर्म। जब मैं संस्कृति पर आऊंगा ना, मध्यकाल की संस्कृति, इस धर्म की पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको। सिखिज्म दुनिया के उन तमाम मोतियों में से एक मोती, जिसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। गुरु का महत्व, लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते बिना गुरु के, धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो। 15वीं शताब्दी के भारत में एक धर्म का उद्भव हुआ, एक बहुत बड़े संत हुए, मैं उनकी भी कहानी सुनाऊंगा, गुरु नानक। गुरु नानक, सिख धर्म ने एक तो गुरु का महत्व और एक खालसा, दो चीजों पर बड़ा विशेष बल दिया। और कभी आपको मौका लगे तो आप गोल्डन टेंपल जरूर जाएं, जिसका नाम था हरमंदिर साहब, एक अलग ही जगह है दुनिया में, जरूर जाइए, आपको एक बड़ा अच्छा सा अनुभव होगा। 67 के आसपास संत उस पर्टिकुलर जगह पे आराधित हुए, वे उस जगह की महानता है, उसका पानी एक अलग तरह का, वो जो जल है अमृत है वो। और जैसे ही आप एंटर करेंगे गोल्डन टेंपल में और बाएं मुड़ेंगे, सामने दान पत्र का, दान का वो है ऑफिस है, उसमें पता है क्या लिखा है? यहां माया का दान करें। वहां यह नहीं लिखा यहां पैसे का दान करें, यहां धन का दान करें, ना, वहां लिखा है यहां माया का दान करें। बड़ी
जबरदस्त लाइन, अरबों रुपए की लाइन। तो घटना यह घटी, अब सिख धर्म का इतिहास में बाद में उस पर डिस्कस करूंगा, घटना यह घटी कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी और यहीं से मुगल सिख संघर्ष की शुरुआत। कारण जो भी रहा हो, राज्य कारण देने में माहिर होता है, कारण जो भी रहा हो, लेकिन भारत में कभी संतों की हत्या नहीं हुई। यही तो भारत की यूएसपी है, यही तो भारत की महानता है। बुद्ध भारत में रहकर आत्मा और ईश्वर के मुद्दे पर मौन है और उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहता। महावीर कहते हैं ईश्वर होता है लेकिन जिन से नीचे होता है। कबीर कहते हैं मैं तो कुत्ता, राम का मोतिया मेरा नाम, लेकिन मेरे राम दशरथ के राम नहीं है। यही तो महानता है इस देश की, भारत मतलब ज्ञान। और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अब भारत में परंपरा है कि संत महात्मा अपने आप को बादशाह कहते ही हैं। स्वामी राम तीर्थ थे, अपने आप को बादशाह कहते ही थे, सिर्फ लंगोट पहन के घूमते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि आपके पास सिर्फ लंगोट और बादशाह? बोले पूरा ब्रह्मांड मेरे कब्जे में है। ऐसे गुरु अर्जुन देव भी स्वयं को सच्चा बादशाह कहते थे। फिर उन्होंने 1/10 अपने शिष्यों की कमाई का 1/10 अनिवार्य कर दिया। ये एक बात जहांगीर को खटकी। दान अनिवार्य नहीं हो सकता, टैक्स अनिवार्य है। 1 जगह पर 2 लोग टैक्स, टैक्स मतलब क्या? पावर। टैक्स लेने का अधिकार किसको है? राज्य को। और गुरु अर्जुन देव ने 1/10 अपने शिष्यों की जो आमदनी थी उसका 1/10 अनिवार्य कर दिया। ये थोड़ा सा खटका होगा जहांगीर को। और तीसरी बात, जहांगीर के बेटे को, जहांगीर खुसरो को जहांगीर के खिलाफ समर्थन दिया। संत आदमी और खुसरो काबिल आदमी, तो संत तो काबिल को ही समर्थन देगा ना। शरण दिया, कहते हैं अस्त्र शस्त्र मुहैया कराए। और ये बात जहांगीर को बर्दाश्त नहीं हुई कि तुम मेरे बेटे को समर्थन करोगे। और बेटा नहीं विद्रोही, किंगशिप नोज नो किंगशिप सिद्धांत है ये राजशाही का। तुमने तलवार उठा ली तो ना तुम बेटा हो, ना पत्नी हो, ना बाप हो, ना भाई हो, तुम फिर विद्रोही हो। विद्रोही के साथ विद्रोही जैसा व्यवहार ही किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर राजा जाएगा। किंगशिप नोज नो किंगशिप। और आप हमारे विद्रोही को शरण दे रहे हैं, शरण के साथ मदद दे रहे हैं। और फिर उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। उसके पास एक और ऑप्शन था, देश निकाला। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था उसके पास। अगर वो गुरु से नाराज ही था तो उसके पास एक ऑप्शन था, देश निकाला। संत महात्माओं को मारा नहीं जा सकता, और अगर वो मारे गए हैं तो उनका किसी भी आधार पर समर्थन नहीं किया जा सकता। अकबर ने पुरोहित को सजा दी, संत महात्माओं को नहीं दी। और यह जहांगीर की जीवनी पर और जहांगीर के बादशाह के रूप में जीवन पर एक बहुत बड़ा धब्बा। तो 7 काम के लिए फेमस है जहांगीर। इस प्रकार जहांगीर का काल मुगल काल में एक शांत काल रहा। शांत, मेवाड़ से समझौता हो गया। कितनी बड़ी उपलब्धि है जहांगीर के काल की, उस मेवाड़ जिसने मुगलों को सपने में भी चैन से नहीं रहने दिया। शांति का काल रहा, रोमांटिसिज्म का काल रहा, और मुगल गाड़ी आगे बढ़ती रही। जहांगीर को भी अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही था। तो जिस प्रकार जहांगीर ने विरोध किया था अपने पिता का, उसी प्रकार उसके भी बेटों ने उसका विद्रोह, उसके सामने विद्रोह किया। खुर्रम
खुशरो ने किया ही खुर्रम, जिसको बाद में कहा गया शाहजहां। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर के बाद जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठा उसका नाम है शाहजहां। हालांकि बहुत सारे लोग औरंगजेब को विलेन के रूप में देखते हैं, बहुत सारे लोग औरंगजेब को एक बहुत होनहार मुसलमान के रूप में देखते हैं, लेकिन उन दोनों ग्रुप को मैं बता दूं कि औरंगजेब की सारी समस्याओं का जो निर्माता है उसका नाम है शाहजहां। फिर से मैं इस लाइन को दोहराऊंगा, औरंगजेब की सारी समस्याओं का जो निर्माता है उसका नाम है शाहजहां। औरंगजेब की बर्बादी का जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है उसका नाम है शाहजहां। कुछ भावुक, कुछ क्रूर, कुछ प्रेमी, कुछ बेवकूफ, अजीब अजीब तत्वों का सम्मिश्रण है शाहजहां, पैराडॉक्सिकल तत्वों का सम्मिश्रण है शाहजहां। या तो आदमी समझदार होगा या बेवकूफ होगा, लेकिन जब दोनों लक्षण मिल जाते हैं तब कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। शाहजहां बड़े विपरीत तत्वों का मिश्रण है, कहीं प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है तो कहीं क्रूर हो जाता है, कहीं समझदार के रूप में दिखाई पड़ता है कहीं मूर्खता कर जाता है, कहीं उदारवादी दिखाई पड़ता है फिर कट्टरपंथी हो जाता है। इसी को कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी। इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है कि औरंगजेब ने 8 साल अपने पिता को जेल में रखा। नहीं, औरंगजेब ने एक बादशाह और उसकी गलतियों के कारण उसको 8 साल जेल में रखा। शाहजहां के काल में एक बड़ा महान व्यक्तित्व, कई सारे लोग हैं उसमें से एक बड़ा महान व्यक्तित्व है पंडित जगन्नाथ, गंगा लहरी के रचनाकार। यह सब मैं चर्चा करूंगा जब मैं संस्कृत पर आऊंगा, क्योंकि मध्यकाल की संस्कृति इतनी जबरदस्त है। संस्कृति बयां करती है कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति कैसे थी। तुम्हारा मकान बताता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा मकान बताता है कि तुम्हारी विचारधारा क्या है, तुम्हारे ड्राइंग रूम में पड़ी हुई किताबें बताती हैं कि तुम सोचते कैसे हो, तुम्हारे टीवी पर चल रहा चैनल बताता है कि तुम्हारा शौक क्या है। संस्कृति एक दर्पण है, किसी भी राज्य किसी भी देश का गहनतम अध्ययन के लिए। इसलिए संस्कृति का वर्णन किए बिना इतिहास को समझा नहीं जा सकता। सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग शब्द हैं। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां गद्दी पर बैठा और यहीं से मुगल साम्राज्य में आर्थिक संकट की शुरुआत और यहीं से मुगल साम्राज्य में विद्रोहों की शुरुआत। और ये आर्थिक संकट और विद्रोह अपने चरम पर पहुंचे औरंगजेब के काल में। यहीं से दक्कन में संघर्ष की शुरुआत। शाहजहां का काल इतिहास में मुगल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण काल है। मैं बड़ा विशेष तौर पर उसको समय दूंगा, बहुत विशेष तौर पर, बहुत एक स्पेशल समय दूंगा मैं शाहजहां के काल को। और फिर हम चर्चा करेंगे इस काल के सबसे चर्चित, विख्यात, कुछ लोगों के लिए कुख्यात औरंगजेब की। इतिहास विषय को अगर पर्सनल लेवल, पर्सनल रूप में देखा जाए, पर्सनल की मैं हिंदू हूं हिंदू नजरिए से पढ़ूंगा, मैं मुसलमान हूं मुसलमान नजरिए से पढ़ूंगा, सर आप फंस जाएंगे, यह विषय विष बन जाएगा आपके लिए। आप देखो सेंट्रल वेस्ट एशिया का क्या हाल है, मुसलमान बनकर पढ़ रहे हैं इतिहास को,
इसीलिए तो यहूदियों से कुछ सीख नहीं पा रहे, इसीलिए तो ईसाइयों से कुछ सीख नहीं पा रहे। व्यक्तिगत रूप में इस विषय को मत पढ़िए। इसीलिए इस विषय का दो रूप है, एक दैवत्व रूप, एक आसुरी रूप। दैवत्व रूप क्या है इतिहास का? आपका विकास, आपकी उन्नति, आपकी समझदारी। विश्व इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको, रेनेसांस सब पढ़ाऊंगा, आर्यभट्ट से लेकर न्यूटन तक सब। इतिहास का एक देवत्व, एकमात्र विषय जिसके दो रूप है, एक देवत्व रूप है समझदारी का विकास, ज्ञान का विकास, सोच का विकास, ऑब्जर्वेशन का विकास, और इसका एक आसुरी रूप है जिसका काम है लड़ाना, हिंदू को मुसलमान को, मुसलमान से यहूदी को, यहूदी को ईसाइयों से, दलित को ब्राह्मणों से। मैं तो सामना करता हूं ना इसका बहुत। इतिहास पर बोलना हिंदुस्तान में मतलब अपने लिए मुसीबत खड़ी करना। अकबर की तारीफ कर दो, राजपूत नाराज है। अच्छा, ऐसे महान था, ऐसे कैसे महान हो गया वो? अकबर महान था तो राणा प्रताप कौन थे? अरे भैया, इतिहास गुरु बन सकता है आपका गुरु। और जितनी नाइंसाफी इस विषय के साथ इस देश में हुई, इसीलिए आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी का बड़ा बोलबाला है। आप जिसको भी सुने, एक बात का ध्यान रखें कि वो आपसे जिस विषय पर चर्चा कर रहा है उसकी पुस्तक का उल्लेख कर रहा है कि नहीं। मैंने आपसे एंशियंट इंडिया में कहा जैन श्रीमाली, पढ़ लीजिए वहीं से, मेरा जो एपिसोड देखते हैं वहां से पढ़ लीजिए। अगर वहां और राज्य द्वारा प्रकाशन से प्रकाशित की हुई पुस्तक है, ऐसे मैंने मेडिवेल में आपको बताया, जेल मेहता वॉल्यूम 1 दिल्ली सल्तनत, जेल मेहता वॉल्यूम 2 मुगल। जिससे भी आप कहानियां सुने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, एक चीज उसमें चेक करिए कि वो जिस पुस्तक से पढ़ा रहा है आपको, कहानी सुना रहा है, उस पुस्तक का नाम क्या है। कि जब भी वो किसी विशेष चीज का उल्लेख करे और आप उससे सवाल करें कहां लिखा है, तो वो बता सके। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है मत सुनिए, और तब ये विषय आपको ऐसे ऐसे रूप दिखाएगा, ऐसी ऐसे पिक्चर दिखाएगा, ऐसे ऐसे संदर्भ देगा कि आपके जीवन की पूरी दशा ही बदल जाएगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद।